नमस्कार दोस्तों, आइए आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हुए हैं मौलिक अधिकार के संबंध में। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का जो अनुच्छेद है वो 23-24 आज हम याद करेंगे इस 2 मिनट के वीडियो में। अनुच्छेद 23-24 में दिया हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में दिया हुआ है। आइए अनुच्छेद 23 देखते हैं। अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री जो है वो संविधान की दृष्टि से अवैध है। बेगारी का मतलब होता है बिना वेतन का किसी से काम लेना, इसे बेगारी कहते हैं। इसी प्रकार अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध किया गया है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार जो है दंडनीय है। आप किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, उसकी खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। इसका जो दंडनीय ये अपराध है विधि के अनुसार, इसे अनुच्छेद 23 में लिखा गया है। ठीक है, आइए अनुच्छेद 24 देखते हैं। अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसका मतलब ये है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखानों में या अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो 14 साल से कम के बच्चे हैं अगर आप उनसे काम ले रहे हैं तो ये क्या है, विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। तो ये अनुच्छेद 24 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 23 का जो है एक नोट है जो आप समझिए अपवाद के दृष्टि से है कि बलात्श्रम जो है मानव को आप जबरदस्ती काम नहीं ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है। आपको राष्ट्रीय सेवा यानी राष्ट्र सेवा, किसी देश से मान लीजिए पड़ोसी देश से लड़ाई लगा तो आपको अगर सैनिकों की कमी है तो वहाँ भेजा जा सकता है, इसके लिए आपको बाध्य किया जा सकता है राष्ट्रीय सेवा के लिए। इसे अनुच्छेद 23 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक शेयर करिएगा और दोस्त सब्सक्राइब करिएगा।